आप अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकते। दूसरे पार्टी को बिना सुने किसी तरीके का जजमेंट नहीं पास किया जा सकता। हे एवरीवन, वेलकम टू द बे ऑफ लॉ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसे कॉमन सेंस जस्टिस भी कहा जाता है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर लेजिस्लेचर के किसी लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन इसे फॉलो करना इतना ज़रूरी है। इसके ना फॉलो करने पर अगर जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल बॉडी से नहीं फॉलो करती, तो हम उनके एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। बेसिकली इसलिए रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपनी मनमानी ना चला सके। अब इस पूरे वीडियो को सुनते वक्त ये बात दिमाग में रखना कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं, तो नेचुरल जस्टिस जुडिशियरी को तो फॉलो करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को लेके ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले साइड पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ इंस्टेंसेस, वैसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस जहाँ पे नेचुरल जस्टिस की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो रखी है। जैसे प्रियम्बल में वो बात करता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की। देन हमारे पास आर्टिकल 14 है आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट, आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात करता है, वहाँ पे हमें नेचुरल जस्टिस के साथ कॉम्प्लाई करना है। देन आर्टिकल 311 है जो कि सिविल सर्वेंट्स को उनको पोस्ट से हटाया जा रहा है, उनको डिसमिस किया जा रहा है, तो उन्हें मौका दिया जाता है कि अपनी बात आगे रखें जो उन्होंने एक्ट किया है उसके उसके सब उसके सपोर्ट में अपनी बात को रखें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देखेंगे कि कितने तरीके के नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं। वैसे बहुत सारे तरीके के हैं क्योंकि ये कोडिफाइड नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कि सिर्फ इतने ही तरीके के हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ हम वो पढ़ेंगे। पहला है नेमो जुडिक्स इन सुआ कॉसा। इसका मतलब ये है कि कोई खुद के केस में जज नहीं हो सकता। देन ऑडी अल्ट्रम पार्टम, बिना दूसरे पार्टी को सुने आप किसी तरीके का जजमेंट नहीं दे सकते। रीजन्ड डिसीजन, आप किसी भी तरीके का डिसीजन ले रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुई या जुडिशियरी हुई, तो उसके पीछे का रीज़न बताओ। अगला है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो हम आगे वाले स्लाइड्स में इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेमो जुडिक्स इन सुआ कॉसा। इसे हम लोग रूल अगेंस्ट बायस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर जज के सामने उसके खुद के बेटे का केस आएगा तो जज डेफिनेटली बायस्ड होगा, राइट? या फिर जज की फैमिली का केस आएगा तो जज बायस्ड होगा। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें जज भी क्या कर सकता है। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि अपने केस में कोई भी जज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, वहाँ पे वो जो इंसान है वो फैक्ट्स, एविडेंस या फिर रूल लॉ क्या है उस टाइम कुछ नहीं देखेगा। उसके दिमाग में पहले से डिसीजन बन चुका है कि मुझे अपने बेटे को बचाना है, मुझे अपने फैमिली को बचाना है, राइट? इसमें बेसिकली कह सकते हैं कि लोगों को पता रहता है पहले से ही। अगर मैं बोलूँ ना कि टेस्ट के हमें पता कैसे चलेगा कि बायस्ड है, अगर सपोज मैं एक रीजनेबल इंसान हूँ, मैं इस पूरे हियरिंग को देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जज के सामने उसके बेटे का केस आ गया तो मुझे पता है कि वो बेटे के फेवर में ही जजमेंट जाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये इसका मतलब क्या है इस पर्टिकुलर मिक्सिंग का। तो अभी जो बायसनेस है ना, ये कई तरीके की होती है। अब आते हैं अगले स्लाइड में, देखते किस तरीके की बायसनेस होती है। जैसे पिक्यूनरी बायस, इसे डिटेल में देखने के लिए अगले स्लाइड में आते हैं। इसमें ये होता है कि जो जज रहता है ना, उसका किसी मैटर में मॉनिटरी इंटरेस्ट रहता है, तो वो बायस रहेगा। अब मॉनिटरी इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? जैसे जज को पैसे से रिलेटेड कोई बात हो। अब मैं आपको केस लॉ के थ्रू समझाती हूँ। इसे डॉक्टर बॉनहेम्स के केस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डॉक्टर था, ठीक है, वो प्रैक्टिस करते थे, उनके पास लाइसेंस नहीं था। कॉलेज ऑफ फिजिशियन से लाइसेंस लेना था, उनके पास लाइसेंस नहीं था। तो अब कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने क्या किया, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, लाइसेंस कैंसिल किया और उनसे फाइन मांगा, पेनल्टी मांगा। अब जो पेनल्टी मिली ना, आधी तो किंग के पास पेनल्टी चली जाती और आधी कॉलेज के पास आती। तो इस जजमेंट को चैलेंज किया गया कि इधर जो कॉलेज है वो तो बायस होकर डिसीजन देगा ना, क्यों? क्योंकि उन लोगों का मॉनिटरी इंटरेस्ट है, पैसा उन्हें मिलना था, तो डिसीजन जो है वो बायस हो सकता है, राइट? अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पर्सनल बायस। अब जज जो है उसका किसी केस में
ठीक है, किसी पर्टिकुलर केस में उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे कि उसका मतलब कोई फ्रेंड हो या फिर कोई उसका एनिमी हो सामने, तो डिसीजन उस हिसाब से अफेक्ट होगा। फ्रेंड होगा तो डेफिनेटली उसके फेवर में जजमेंट जाएगा, एनिमी हुआ तो उसके अगेंस्ट में जाएगा जजमेंट, राइट। जैसे कि हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में, एक केस के थ्रू समझते हैं। एक एक राइपक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या हुआ कि सिलेक्शन बोर्ड में एक जो जज था वो कैंडिडेट भी था। यहाँ पे बेसिकली IFS है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए सिलेक्शन हो रहा था, तो सिलेक्शन बोर्ड में भी था और एज अ कैंडिडेट भी अपेयर हुआ, और उसके बाद से सेलेक्ट भी हो गया। तो जो बाकी कैंडिडेट से जो सेलेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने उनके अगेंस्ट केस फाइल किया और बोला कि डिसीजन बायस ही होना था। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट था। अब सिलेक्शन बोर्ड में मैं खुद हूँ तो खुद को नहीं चुनूंगी क्या? मैं डेफिनेटली चुनूंगी, राइट। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट मैटर को लेके बायसनेस होना। हाँ, सब्जेक्ट मैटर को भी लेके बायसनेस हो सकता है। सपोज अगर कोई केस है, वो जैसे एग्जांपल, सब्जेक्ट मैटर को लेके बायसनेस होना, सपोज कोई ऐसा लॉ है, जज के सामने कोई ऐसा लॉ आता है जो कि क्या कहते हैं कि टैक्स बढ़ा रहा है, प्रॉपर्टी जितनी है आपके पास उस हिसाब से आपका टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब जज के पास खुद बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो क्या आपको लगता है जज उस लॉ को पास होने देगा अगर जज के हाथ में सो ले ली है तो? डेफिनेटली नहीं। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। तो अब इसे केस लॉ के थ्रू देखते हैं। नागेश्वर राव का केस था, इसमें क्या हुआ कि ये जो रोड ट्रांसपोर्ट था ना, उसे नेशनलाइज कर दिया गया। अब इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन उठे। अब ये जो ऑब्जेक्शन उठा, उसे डिसाइड किया सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वही सेम पर्सन था जिसने इस पर्टिकुलर चीज को नेशनलाइज किया। तो इस केस में बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब ये होता है कि दूसरी पार्टी को भी सुनना, सिर्फ आप एक पार्टी को सुन के कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते, दोनों पार्टी को सुनना चाहिए। अब दोनों पार्टी को सुनने तो सुनने कैसे, क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर, तो अब इसके एसेंशियल्स की बात करते हैं। तो आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे बात करते हैं राइट टू नोटिस। सपोज अगर किसी भी इंसान के अगेंस्ट केस फाइल हो रहा है या उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट होने वाले, तो उसे नोटिस दिया जाए। वो रीजनेबल होनी चाहिए नोटिस, उसका ना टाइम प्लेस है ना, नेचर ऑफ हियरिंग, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। उसके अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस लगे, सब चीज मेंशन होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक केस का एग्जाम्पल देती हूँ अगले स्लाइड में, अन्नामलाई कॉटन मिल्स लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ कि नोटिस दिया गया मिल को, ये बोला गया कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के चोरी के इल्जाम में पकड़ा जा रहा है, ठीक है। अब उस नोटिस में क्या कहते हैं कि कुछ और चीज मेंशन नहीं थी कि कितने यूनिट में बिजली चोरी हुई है ना, किसने किया है, कौन सी अथॉरिटी जो है एक्शन ले रही है, कुछ मेंशन नहीं था। तो जो नोटिस था वो अनरीजनेबल था। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे बात करेंगे एविडेंस अगेंस्ट। जैसे किसी भी इंसान के अगेंस्ट एविडेंस अगर कोर्ट में कोई एक पर्सन ला रहा है, तो ये जिम्मेदारी है कि दूसरे पार्टी को बताया जाए, जो पार्टी अफेक्ट होगी उसे बताया जाए कि आपके अगेंस्ट ये एविडेंस लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जिससे कि वो प्रिपेयर कर सके, उसे पता चल सके कि क्या गलत हो रहा है उसके साथ, क्या सही हो रहा है। अब आप एक पार्टी को तो सुन के, भले ही हमारे दिमाग में हो कि ये पार्टी सही है, पर आप उसे सुन के तो जजमेंट नहीं दिया जा सकता ना। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंटिंग एविडेंस। अब रिटर्न कॉपी फाइल करने का मौका देना चाहिए दूसरी पार्टी को, वो भी अपना एविडेंस सामने ला के पेश करे। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे आता है डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल्स। मतलब जितने भी तरीके का डॉक्यूमेंट, एविडेंस या जितने भी तरीके की चीजें जो है किसी पार्टी के अगेंस्ट फाइल हुई है, तो उस पार्टी को सब बताना है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, जिससे कि वो पूरा प्लान रहे, राइट। अब पूरा प्लान रहे, उस हिसाब से प्रिपेयर करे, उस हिसाब से अपने केस को प्रेजेंट करे, उस हिसाब से एविडेंस लाए। अगली स्लाइड पे है रिबर्ट एडवर्स एविडेंस। रिबर्ट मतलब ये होता है कि आपके अगेंस्ट किसी ने किसी तरीके का एविडेंस दिया है, तो आप उस एविडेंस को फॉल्स प्रूफ कर रहे हो। तो फॉल्स प्रूफ करने का तरीका क्या है, आप लीगल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू फॉल्स प्रूफ कर सकते हो या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू। क्रॉस एग्जामिनेशन हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट पे मेंशन है। तो अब जैसे कि अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ केस का अगले स्लाइड में। इसमें इस केस में ये बोला गया ना कि क्रॉस एग्जामिनेशन का जो राइट है, कभी कभी डिनाई भी किया जा सकता है। मतलब आपने देखा कि हमारे पास नेचुरल जस्टिस का भी मतलब एक्सेप्शन अवेलेबल है। इसमें हुआ ये था कि एक मेल स्टूडेंट था, वो फीमेल स्टूडेंट के साथ मतलब गलत तरीके से बिहेव कर रहा था, तो कोर्ट में ये मैटर गया। ओके, तो उस फीमेल स्टूडेंट को क्रॉस एग्जामिन करने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इट विल लीड टू एन एम्बैरेसमेंट टू अ फीमेल स्टूडेंट, राइट।
अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट। सपोज जैसे कोर्ट में तो डिसीजन चलता रहा, मतलब मैटर चलता है, अब इंक्वायरी करने के लिए हम लोग अलग अलग बॉडीज को देते हैं मैटर, तो जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है ना वो पार्टी को उसकी कॉपी देना कि इंक्वायरी रिपोर्ट में यही बातें सामने आई हैं, ठीक है। तो वही सेम बात है कि वो प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। अब अगला केस, अगले स्लाइड, इसमें आते हैं राइट ऑफ हियरिंग, मतलब कि दूसरे पार्टी को भी सुना जाए। अब प्री डिसीजन हियरिंग होता है, मतलब डिसीजन देने से पहले मौका दिया जाए हियरिंग का, और एक होता है पोस्ट डिसीजन हियरिंग। अब जैसे मेनका गांधी का जो केस था, इस केस में क्या हुआ कि प्री डिसीजन हियरिंग का मौका नहीं दिया गया। मेनका गांधी जो थी, उनका पासपोर्ट जो था वो जब्त कर लिया गया था, वो बाहर जा रही थी। तो अब इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है। इंदिरा गांधी जो थी वो कांग्रेस की थी, उनकी बहू थी मेनका गांधी, उनकी मेनका गांधी से बिल्कुल नहीं बनती थी, जो कि बीजेपी की थी। तो ये लोग का खैर थोड़ा वो था, पॉलिटिकल इश्यूज थे, थोड़े पर्सनल इश्यूज थे, पर यहाँ पे उन्हें प्री डिसीजन हियरिंग का मौका नहीं दिया गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाता है कि जहाँ पे हम लोग प्री डिसीजनल हियरिंग का मौका ना दें, तो बाद में सुना जा सकता है पार्टी को, ठीक है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल की, और वो है रीजन्ड डिसीजन। इसे बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर्स, मतलब आप जब डिसीजन पास कर रहे हो ना तो रीजन भी साथ में मेंशन कर दो कि आप ये डिसीजन क्यों पास कर रहे हो, ठीक है। जिससे कि अब ये होगा ना कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो लोग ना मतलब काफी केयरफुल रहेंगे किसी भी तरीके का डिसीजन पास करते हुए। क्यों? क्योंकि उनके सपोर्ट में ना रीजन लिखना है, तो अब कुछ भी तो नहीं लिख सकते ना, राइट। क्योंकि उसके लिए अकाउंटेबल होंगे जो रीजन लिखेंगे। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक केस के थ्रू एमपी इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के रीजन डिसीजन का एडवांटेज क्या है। एक तो अगर मुझे रीजन पता रहेगा कि इस रीजन की वजह से मेरे ऊपर ये पनिशमेंट आ रही है, तो मैं उस हिसाब से अपील भी कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि आर्बिट्ररी एक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो डर के काम करेंगे, ठीक है। और फिर मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहेगी कि अगर मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास हो रहा है, तो मुझे भी इस बात की मतलब ये रहेगी कि हाँ, किसी गलत रीजन की वजह से मेरे अगेंस्ट ऑर्डर नहीं पास किया गया, मुझे पता है कि मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास किया गया है। अगले स्लाइड पे और बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। तो ये हमारा आज का लास्ट प्रिंसिपल होगा नेचुरल जस्टिस का। इसके अंदर ये है ना कि जब हम लोग बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन, एक पर्सनल सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन जो है वो पब्लिक अथॉरिटी से कुछ चीजें एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। जैसे फेयरनेस, इक्वेलिटी, ये सब चीजें एक्सपेक्ट करता है। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है, आप आर्बिट्रली कुछ भी मत एक्सपेक्ट करो। जैसे कि आईपीसी में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है, तो अब आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि जो हमारे अगेंस्ट अथॉरिटीज है वो पनिशमेंट नहीं पास करेंगे, तो ये तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ ना। तो जैसे अब आप सीआरपीसी फेयर एक्शन की बात करी जाती है, फेयर प्ले की बात करी जाती है, तो हाँ, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ जो चीजें रहती हैं हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज से। तो अगर उन एक्सपेक्टेशंस को, उन लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस को, मेरे बात ध्यान से सुनना, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस जो कि एक्सपेक्टेशंस लीगल है, अगर उन लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज नहीं फुलफिल करती हैं, तो मैं कोर्ट में जा सकती हूँ ये कह के कि मेरे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है। अब ये जो है ना लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ये कोई लीगल राइट नहीं है। अगर लीगल राइट रहता तो उसके पास, तो मेरे पास पूरी रेमेडी अवेलेबल रहती, कोई लीगल राइट नहीं है। लेकिन आप सोचो, लीगल राइट ना होते हुए भी मैं कोर्ट जा सकती हूँ। अब आप सोचोगे कि ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होता क्या है, ये केस टू केस वेरी करता है कि ये एक्सपेक्टेशन लेजिटिमेट है या नहीं है, ठीक है, वो केस टू केस वेरी करेगा। आई होप आई मेड इट क्लियर व्हाट इट मीन्स। इसके पीछे का रीजन ये है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक लाइन में चले, ये नहीं कि इनका आज मन में आया तो इस तरीके से काम करेंगे, आज मन में आया तो इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। और लोग भी प्रिपेयर्ड रहे कि इस तरीके से उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, उनके इनके साथ ये होगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। समझ आ गया, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस मतलब हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस पब्लिक अथॉरिटीज से, और वो उन्हें फुलफिल करना पड़ता है। अब आता है अगले साइड पे, अब ये अराइज कैसे होती हैं, अब आप किन चीज़ों पे एक्सपेक्टेशन मतलब कैसे मानेंगे कि चीज़ें एक्सपेक्टेशन में कवर होंगी। तो जैसे अगर किसी तरीके का प्रॉमिस किया है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने हमसे, पर्सनल प्रॉमिस नहीं, पब्लिक एट लार्ज का प्रॉमिस, ठीक है, एक्सप्रेस प्रॉमिस, या फिर कोई एक प्रैक्टिस है जो कि काफी समय से मतलब चली आ रही है, जो रेगुलरली ऐसी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, या और जो प्रैक्टिस है वो क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, एम्बिगुइटी उसमें नहीं होनी चाहिए।
जैसे एक केस के थ्रू बताती हूँ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अगर अपना मतलब रिकमेंडेशन देती है फॉर द अपॉइंटमेंट, तो उसके अंदर ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन रहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे ड्यू कंसिडरेशन देगा, और ये एक्सपेक्टेशन जो है लेजिटिमेट है, राइट। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, एक और केस के थ्रू देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये स्टेट ऑफ केरला का केस है। इसमें क्या होता है कि रिस्पोंडेंट जो रहता है वो एक सेंक्शन इशू किया गया। सेंक्शन ये था कि आप जो है नए एडेड स्कूल बना सकते हो और जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उन्हें अपग्रेड कर सकते हो। अब क्या हुआ, 15 दिन बाद एक और एक ऑर्डर आता है मतलब इन सेंक्शन को मतलब रोकने के लिए, ठीक है, इसे इनइफेक्टिव बनाने के लिए। तो अब रिस्पोंडेंट ने केस फाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो सेंक्शन है इसने एक तरीके का लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दिया था, है ना। तो 15 दिन बाद इस तरीके का ऑर्डर पास करना जो है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, उसका वायलेशन हो रहा है। आई होप अब क्लियर हो गया। अब आता है अगले स्लाइड पे। अब हमने नेचुरल जस्टिस तो पढ़ लिया, पर आपको लगता है कि हर जगह नेचुरल जस्टिस फॉलो हो पाता है? बिल्कुल नहीं। अभी आपके सामने आई एम नॉट नेमिंग द केस और जज, बट एक ऐसा केस था जिसमें मैटर डिसाइड करना था और जो सेम जज थे जिनके अगेंस्ट मैटर डिसाइड होना था वो डिसाइडिंग कमिटी में थे, है ना। पर कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं नेचुरल जस्टिस को, तो वो सिचुएशन कौन सी है, एमरजेंसी की सिचुएशन जहाँ पे हमें तुरंत तुरंत एक्शन लेना होता है। जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पासपोर्ट जब्त करना पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत जरूरी हो गया था, ठीक है, तो वहां पे हमने नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, इसमें एक केस है आर राधा कृष्ण वर्सेस ऑस्मेनिया यूनिवर्सिटी। इसमें ये हुआ कि हर एक कैंडिडेट को सुनना, ठीक है, इतने सारे कैंडिडेट मिलके केस फाइल किया है, तो क्या कोर्ट के लिए पॉसिबल होगा हर एक कैंडिडेट की बात वो सुने पर्सनली? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल को नहीं मानते। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस है। इसमें बोला गया कि जो सर्विलेंस रजिस्टर बनाती है पुलिस वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो उसका एक्सेस हम हर किसी को नहीं दे सकते, और ना देने पे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं होगा। देन अगला है, अगले स्लाइड पे आते हैं, इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। इसमें क्या हुआ था, एक केस था अभय कुमार का। इसमें एक स्टूडेंट था, उसने एक स्टूडेंट को मार दिया, ठीक है, तो उसे मतलब टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया। तो अब उसे सस्पेंड करना नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट नहीं था, क्यों, क्योंकि जिससे कि उस पर्टिकुलर कैंपस में पीस बना रहे इस वजह से उस बच्चे को सस्पेंड किया गया, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत। उसके बाद अगला स्टेचुटरी एक्सक्लूजन, स्टेचुटरी में खुद ही मेंशन हो। और लास्ट और भी हैं पर दिस आर द मेजर वंस, ठीक है, नो राइट ऑफ पर्सन इज इन्फ्रिंज। अगर मेरा किसी तरीके का राइट ही नहीं इन्फ्रिंज हुआ तो मैं किस बात के लिए ये गुहार लेके जाऊंगी कि अरे कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो गया, पहले मेरा कोई राइट वायलेट होगा तब मैं नेचुरल जस्टिस को एज अ डिफेंस दूंगी कि उसको सपोर्ट मिलाऊंगी, ठीक है। अब एक बात, ओके, सो वी आर डन विद दिस। अब एक बात ध्यान रखना है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ते हो तो कोई भी चीज़ जो रहती है वो कंप्लीट नहीं रहती है, क्यों, क्योंकि जो लॉ है वो कोडिफाइड नहीं है, वो जजेस मेड लॉ रहता है, ठीक है, तो इसे कितना भी पढ़ो ये कम रहता है, इसके अंदर और चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन फिर भी हमने इम्पोर्टेंट कवर किया है। और अगर कुछ आपको स्पेसिफिक चाहिए सो यू कैन मेंशन, ओके, सो आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।